खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। अवैध खाद कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 30,14,25,125 रुपए की संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की गई। कोतवाली सदर जनपद खीरी से संबंधित गैंगस्टर का अभियुक्त गैंग लीडर मनीष गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता व उसके सदस्य ऋतिक गुप्ता पुत्र मनीष गुप्ता निवासी कस्बा मैगलगंज थाना कोतवाली मैगलगंज जनपद खीरी द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित 30,14,25,125 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इन्होंने अपनी धन बल का दुरुपयोग करते हुए कई बार अपने विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को टालने में भी सफल हो पाए। कभी कभी डेटा भी गलत प्रस्तुत करते रहे, लेकिन इसमें सीओसीटी के नेतृत्व में लगातार विविधतात्मक कार्रवाई की जाती रही और तथ्य जुटाते रहे। आसपास के जो किसान हैं, पड़ोसी हैं, उनके द्वारा कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया है कि इनके द्वारा लगातार ये कारोबार किया जाता रहा था और बहुत ही साथीदार ढंग से ये बच भी जाते थे। आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत 14 की कार्रवाई की जा रही है। इनकी चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, अभी भी कई तथ्य आ रहे हैं कि इनकी संपत्ति हो सकता है कि जनपद खीरी के अंदर हो, जनपद खीरी के बाहर भी हो, इनका पता लगाया जा रहा है। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्तीकरण प्रक्रिया अभी चल रही है, जिनका अगर वर्तमान में मार्केट वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 1 अरब से भी ज्यादा चला जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जो नकली खाद बनाने वाले जो कारोबारी थे, जो माफिया थे, उनके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की गई है और ये मैसेज दिया गया है कि क्या है कि जो भी इस तरह के कारोबार में लिप्त रहेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जितनी भी संपत्ति है उनको जब्त किया जाएगा और भविष्य में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ट्रायल पूरे हो जाए और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी।